आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कलाम की बहुत ही फेमस बुक भारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा की। किताब की शुरुआत करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम स्वाधीनता का 50वां वर्ष पूरा कर चुके हैं और आज के अधिकांश भारतवासी इसी अवधि में पैदा हुए हैं। हर साल हमारे देश की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ बढ़ जाती है। इसके लिए हमारी परिकल्पना क्या होनी चाहिए? कुछ व्यक्तियों की तरह ही क्या हम विकास की धारणा पर ही प्रश्न चिन्ह लगाकर देश के लोगों को सदियों से आ रही उनकी यथास्थिति में ही उन्हें रहने देंगे? और क्या हम समाज के उच्च वर्ग की ओर ही ध्यान देकर शेष सभी को उनके भाग्य पर निर्भर रहने के लिए छोड़ देंगे? अगले 2 दशकों में हम भारत को किस ओर जाते हुए देखना चाहते हैं और उसके भी आगे के वर्षों में हम अपने देश को किस दिशा में ले जाना चाहेंगे? डॉक्टर कलाम और वाई सुंदर राजन की ये किताब इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को तलाशती एक ऐसी किताब है जो आज के विकासशील भारत को एक विकसित भारत में रूपांतरित करने के उद्देश्य को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करती है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब भारत अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था तब इस पुस्तक के हम दोनों लेखकों का जन्म हुआ था। जब पंडित जवाहरलाल ने स्वाधीनता प्राप्त होने पर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नाम का अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था तब हम में से एक स्कूल के अंतिम वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहा था और दूसरा शैशव काल के अपने तोतले बोल बोल रहा था। हम दोनों में से किसी का भी परिवार ना तो धनी था और ना ही शक्ति संपन्न, लेकिन हम दोनों को एक साथ लाने वाली सिर्फ एक ही शक्ति थी, साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आधुनिक भारत का विकास करना। यह पंडित नेहरू, होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम भाई की परिकल्पना थी जिससे हमें उनके अंतरिक्ष कार्यक्रम में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। 60 के दशक में जब अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब लोगों को ये लगता था कि ये एक असंभव कार्य है, लेकिन हम और हमारे अनेक साथी इस परिकल्पना को उचित ही नहीं बल्कि संभव भी मानते थे और हमारे इसी विश्वास से एक ऐसे मिशन ने जन्म लिया जिसके भागीदार हम सभी थे। हमारे संस्थान इसरो का हर व्यक्ति यह विश्वास रखता था कि उसका जन्म इस मिशन को साकार करके अंतरिक्ष तकनीक द्वारा देश तथा देश की जनता के विकास के लिए ही हुआ है। हम दिन रात काम करते, अनेकों बार असफल होते और कभी कभी सफलता भी प्राप्त करते, लेकिन निराशा का भाव कहीं नहीं था। हमने जो भी साधन तंत्र बनाए, विकसित किए और जिनका परीक्षण किया, उन सभी का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, एक विकसित शक्तिशाली और गौरवान्वित ऐसे भारत का निर्माण जिसका प्रत्येक नागरिक उनसे सुविधाएं प्राप्त कर सके। आज हमें ये कहते हुए प्रसन्नता होती है कि अंतरिक्ष तकनीकी से संबंधित हमारे स्वप्न जैसे आम जनता तक हमारी पहुंच, दूरदराज के इलाकों में नेटवर्क्स के द्वारा संचार तथा संदेश पहुंचाने की व्यवस्था, खतरों की सूचना देने वाले साधन, जमी दोष पानी की जानकारी, जंगल बचाओ योजनाएं आदि पूरी की जा चुकी हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें इस बात का भी गर्व और प्रसन्नता है कि कृषि विज्ञान, कला संस्कृति और सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत अनेक व्यक्तियों के स्वप्न भी साकार हो चुके हैं, परंतु हमारी परिकल्पना अभी भी अधूरी है और वो है गरीबी रहित एक समृद्ध भारत की परिकल्पना, वाणिज्य तथा व्यापार में अग्रणी भारत की परिकल्पना, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी में विभिन्न क्षेत्रों में शक्तिशाली भारत की परिकल्पना तथा एक ऐसे भारत की परिकल्पना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो। परंतु सच्चाई ये है कि इनमें से कई विषयों पर आज भी निराशा ही व्याप्त है। सौभाग्य से हम दोनों ही लेखक ऐसे अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आए जो न सिर्फ इन सवालों को उठा रहे थे बल्कि उनके उत्तर भी तलाशने का प्रयत्न कर रहे थे। हमने देश के अनेक भागों में जाकर वहाँ अनेक वर्गों के लोगों से जाकर इन विषयों पर बातचीत की। हमारी संपूर्ण कैरियर यात्रा के दौरान हमने जो भी अनुभव हुए वो सभी इस पुस्तक की रचना का आधार है। इस किताब को 12 चैप्टर्स में लिखा गया है और आज हम इस किताब के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 की बात करेंगे। बाकी के चैप्टर्स की बात हम इस किताब के आने वाले पार्ट्स में करेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। चैप्टर 1, क्या भारत विकसित देश बन सकेगा। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि गरीब को सभी तुच्छ समझते हैं, वे उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते, वो उनके पीछे चिल्लाता दौड़ता है लेकिन वो ध्यान नहीं देते। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि किसी भी देश को विकसित तभी माना जाता है जब वह देश दौलतमंद हो, वहाँ के लोगों में खुशहाली हो और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी स्थिति मजबूत हो। लेकिन कोई देश कितना दौलतमंद है इस बात का पता उसके GNP यानी कि उसके कुल उत्पाद, उसकी GDP यानी कुल घरेलू उत्पाद, भुगतानों की बकाया रकम, आर्थिक विकास की दर, प्रति व्यक्ति आय आदि से लगता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी हिस्सेदारी की मात्रा भी ये संकेत देती है कि उसकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है और उस देश में कमाई हुई दौलत को संभालने और उसे लगातार बढ़ाने की हैसियत है भी या नहीं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आर्थिक संकेत वैसे तो अपने आप में काफी
वजन रखते हैं, लेकिन ये काफी कुछ छिपा भी जाते हैं, जैसे कि देश के मामूली आदमी की तंगहाली और दुर्दशा की बात। गांधी जी का कहना था कि देश के लिए किए गए हर कार्य की कसौटी ये होनी चाहिए कि उसके द्वारा देश के सबसे गरीब और पिछड़े आदमी की आंखों के आंसू पोंछे जा सकते हैं या नहीं। उनका ये मानना था कि जब ऐसा दिन आ जाएगा तभी ये माना जाएगा कि हमारा राष्ट्र एक सुखी राष्ट्र बन गया है। नेहरू जी के मन में भी संपूर्ण भारत को सुखी और खुशहाल बनाने का सपना था। उनका ये मानना था कि ये तभी संभव है जब देश में फैली निरक्षरता, गरीबी, बीमारियां और अज्ञानता दूर हो और प्रत्येक देशवासी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आजादी की लड़ाई के दिनों में देश को उन्नत बनाने का हर एक सपना सच होता दिखता था। लगभग सभी हिंदुस्तानियों में देश की आजादी के लिए मर मिटने की तमन्ना थी और आजाद भारत में जीने की ललक भी थी। लेकिन आज आजादी को इतना समय पूरा होने के पश्चात वही पुरानी उमंग, तमन्ना और ललक कहीं दिखाई नहीं देती। जब भारत को विकसित देशों की कतार में खड़े होने की बात उठती है तो हम भारतीयों के चेहरे पर चमक क्यों नहीं दिखाई देती? दिखाई देती है तो बस निंदा और मानव द्वेष से भरे चेहरे। आज के लोगों को शायद ये लगता है कि हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने की उम्मीद करना व्यर्थ है, और सच्चाई ये है कि जहाँ के लोग लगातार उन्नत होने की कोशिश नहीं करते उन्हें बेहतर भविष्य भी नहीं मिलता। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम हिंदुस्तानियों को न केवल एक सुखद वर्तमान मिले बल्कि एक बेहतर भविष्य भी मिले, और ये तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर एक विकसित भारत के अपने स्वप्न को साकार कर सकें। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तब मैं एक किशोर था। मेरे स्कूल के हेडमास्टर साहब हम सभी विद्यार्थियों को अपने इलाके के एक रेडियो पर खबरें सुनने के लिए ले जाया करते थे, और उन्हीं के माध्यम से हम भाषण सुनते और हमें ये भी पता चलता कि दिल्ली में क्या हो रहा है। डॉक्टर कलाम अपने भाई की मदद करने के लिए रामेश्वरम में सुबह छपने वाले अखबार दिनमणि की प्रतियां घर घर बांटा करते थे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ये काम करते समय मुझे अखबार में छपी खबरों को पढ़ने का मौका भी मिल जाता था। इस दौरान मुझे एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने मुझे हिलाकर रख दिया था। यह वो वक्त था जब सारा मुल्क आजादी का जश्न मना रहा था। देश के नेता दिल्ली में जमा होकर आगे के कार्यों की रूपरेखा बना रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें वास्तव में दिल्ली में होना चाहिए था, वो वहाँ से बहुत दूर नुआर खाली में थे, दंगों से पीड़ित असहाय लोगों के बीच। वो उन्हें सांत्वना प्रदान कर रहे थे। एक ऐसे समय में जब सभी राष्ट्रीय नेता उनके आदेशों का पालन करने को तैयार थे, तब उन्होंने सभी को वो रास्ता दिखाया जो परस्पर प्रेम और एकता पर आधारित था। भारतीयों की बेहतरी और कल्याण के प्रति इसी प्रकार की गहरी आस्था के आधार पर ही हमने एक विकसित भारत का सपना देखा है। देश की आजादी को हासिल करना हम सभी भारतीयों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आज हम अंग्रेजों से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन आज भी हम आर्थिक रूप से गुलाम ही हैं, और ये आज भी उतना ही निंदनीय है जितना कि 50 वर्ष पूर्व की गुलामी थी, क्योंकि ये हमारे समाज पर बाहरी शक्तियों के प्रभाव को मजबूत करता है। इन बाहरी शक्तियों का एकमात्र उद्देश्य है अविकसित देशों को विकसित देशों की श्रेणी में बैठने से रोकना। जैसे ही कोई अविकसित देश अपने कानूनों या बहुउद्देशीय संधियों के माध्यम से इनके व्यवधानों को कम करने की कोशिश करता है, वैसे ही नए नए पेचीदा किस्म के व्यवधान खड़े कर दिए जाते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी व्यवहारों के ऊपरी विश्लेषण से ये पता चलता है कि लेन देन के इन व्यवहारों के पीछे एक गहरी साजिश छिपी है, और वो ये है कि चंद विकसित देशों को ये नहीं लगता कि अविकसित या विकासशील कोई भी देश उनकी कतार में आकर खड़ा हो। इसलिए भारत को विकसित देश की कतार में बैठने के अपने सपनों को साकार करने के लिए सावधानी के साथ खुद को एकजुट करके आगे आना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें नई बेहतर किस्म की टेक्नोलॉजी को विकसित करना ही होगा, क्योंकि ऐसा न होने से न तो हम अपने देश की सुरक्षा को मजबूत कर पाएंगे और न ही आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएंगे। अगर हम दूसरे देशों से इन टेक्नोलॉजीज का आयात करते रहेंगे तो हम हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहने के आदि हो जाएंगे। इसलिए हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि टेक्नोलॉजी ही एकमात्र वो साधन है जिसमें पूर्णतः निर्भर रहे बिना और उसका आवश्यक योगदान प्राप्त किए बिना हम तेजी से आर्थिक विकास नहीं कर सकते और न ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को दृढ़ बना सकते हैं। 22 फरवरी सन 1998 को चंडीगढ़ में ट्रिब्यून ट्रस्ट द्वारा आयोजित अपने एक भाषण का जिक्र करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि उस भाषण में मैंने कहा था, हालांकि शीत युद्ध समाप्त हो गया है तो भी चुने हुए दांवपेच की नीतियां अभी तक अपना काम कर रही हैं और उनके माध्यम से विकसित देश विकासशील देशों पर सैनिक और आर्थिक दृष्टि से हावी होते जा रहे हैं। कई किस्म की टेक्नोलॉजीज को भारत जैसे विकासशील देशों की पहुंच से बाहर रखा जा रहा है। आज हमारे सामने दो मुख्य समस्याएं हैं। एक ओर हमारे पड़ोसियों को खुलेआम अस्त्र देकर उन्हें ताकतवर बनाया जा रहा है और दूसरी ओर गुपचुप उन्हें प्रक्षेपास्त्रों और न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र के निर्माण की जानकारी भी दी जा रही है। हर ओर से ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं जिससे घटिया किस्म की प्रौद्योगिकी हम पर थोपी जा सके, और ये काम बड़े जोर शोर से खूब ढिंढोरा पीटते हुए किया जा
जा रहा है और हमारे पास अपनी इस समस्या का समाधान करने का सिर्फ एक ही हल है और वो है अपनी निजी टेक्नोलॉजीज को लगातार विकसित करते रहना। आज अपने देश के चारों ओर नजर डालने पर हमें क्या दिखाई देता है? दिखाई देता है एक डरावना नजारा। शस्त्रों की संख्या को कम करने की घोषणा करने वाली कई संधियों पर दस्तखत करने वाले मुल्क, हमारे पड़ोसियों को खतरनाक और विनाशकारी हथियार प्रदान करके उनके भंडार को दिन दोगुना और रात चौगुना कर रहे हैं। आज हमारे सामने सबसे अहम सवाल ये है कि हम एक राष्ट्र के रूप में पीछे से लड़ी जा रही नए किस्म की इस जंग में कैसे कामयाब हो, और इसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अपनी टेक्नोलॉजीज को विकसित करके भारत को सबसे ताकतवर देशों में से एक बनाना। आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारी पिछली पीढ़ी उन प्रतापी स्वाधीनता सेनानियों की पीढ़ी थी जिन्होंने आजाद भारत की परिकल्पना की थी। उनका सपना भारत के लोगों के लिए देखा गया वो पहला सामूहिक सपना था जो लोगों के दिलो दिमाग में उतरा और उसी की प्रेरक शक्ति ने लोगों को आजादी के आंदोलन में सामूहिक रूप से शामिल होने का जोश प्रदान किया और इसी संयुक्त प्रयास ने भारत को आजादी दिलाई। अगली पीढ़ी, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, हमने भारत को पूरी ताकत के साथ आर्थिक, कृषि और टेक्नोलॉजी के विकास की ओर अग्रसर किया, लेकिन फिर भी भारत आज भी एक लंबे समय से विकासशील देश की कतार में खड़ा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में विकसित देशों की कतार में खड़े होने की क्षमता मौजूद है और उसका ये सपना अगले 15 से 20 वर्षों में पूरा हो सकता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमने कई बार खुद से और दूसरों से सवाल किया कि भारत ने, जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, क्यों अपनी सीमाओं में वृद्धि करने और दूसरे देशों पर हावी होने का प्रयास नहीं किया। इसके बारे में अनेक विशेषज्ञों से हमने बात की कि भारत के मानस में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इस बात का संकेत देती हैं कि भारत की सोच सदा से ही ज्यादा सहिष्णु, आत्म अनुशासित, बदला ना लेने वाली, विदेशियों को शरण देने में लचीलापन रखने वाली और साहसिक बनने के स्थान पर व्यक्तिगत सुरक्षा पर बल देने की रही है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन्हीं विशेषताओं के मेल से ही भारत की किसी सपने को साकार करने की योग्यता कम हो गई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत को विकास के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को त्याग कर एक ठोस कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए और इसी दिशा में भारत ने पहली ठोस कार्यवाही 1857 में आजादी का बिगुल बजाकर की थी और अब दूसरी शुरुआत हमें करनी है भारत को एक विकसित देश बनाने की। एक बात हर भारतीय को समझ आनी चाहिए कि दुनिया का कोई भी देश हमारा हाथ अपने हाथों में लेकर हमें विकसित देशों की कतार में बैठाने वाला नहीं है। जब हमने सन 1998 में न्यूक्लियर परीक्षण किए थे तब हमें कुछ विकसित देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि इन देशों की नाराजगी सिर्फ हमारे द्वारा किए गए न्यूक्लियर परीक्षण से है, बल्कि यदि कल सॉफ्टवेयर के निर्यात में सारी दुनिया के बाजार पर यदि भारत कब्जा कर ले तो हमें दूसरे किस्म के प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास जो कुछ है उसी आधार पर हमें दूसरों का सामना करना है। हमें विदेशी पूंजी को आकर्षित करना है और संयुक्त उद्यमों की शुरुआत करनी है और एक अंतर्राष्ट्रीय विकसित देश की हैसियत हासिल करनी है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ऊंचा लक्ष्य हासिल करने वालों को कभी कभी एकला चलो के मार्ग पर चलना पड़ जाता है। चैप्टर 2, अन्य देशों में हो रहा विकास। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि किसी भी ऐसी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि ऐसा विश्वास करने के लिए तुमसे कहा गया है या वो परंपरा से चला आ रहा है या तुमने स्वयं उसकी कल्पना की थी। अपने गुरु की भी किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुम उनका आदर करते हो, किंतु उस बात पर अवश्य विश्वास कर लो जिसे तुमने स्वयं उसका विश्लेषण करके और उसके सब पहलुओं पर विचार करके सब प्राणियों के कल्याणार्थ सही, उचित और हितकारी पाया हो। उस सिद्धांत पर अवश्य विश्वास कर लो और उसे अपना मार्गदर्शक मान लो। आगे डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में हम अभी तक किसी ऐसे सिद्धांत या मार्ग का चुनाव नहीं कर पाए हैं जिसे हम अपना कह सकें और आज स्थिति ये है कि हम उन मार्गों की नकल कर रहे हैं जो दूसरों ने अपने लिए चुने थे, भले ही वो आर्थिक नीति, उद्योग, व्यापार, विज्ञान या टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में ही क्यों न हो। भारत कभी उन विचारों को अपनाने में पीछे नहीं रहा जो बाहर के लोगों ने उसे दिखाए। आज के नए हालात में हम अपने क्षमतावान वैज्ञानिकों को अमेरिका और यूरोपीय देशों तथा अन्य देशों की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करते हुए पाते हैं। हमें आज भी लगता है कि विदेश और विदेशी हमसे हर लिहाज में बेहतर है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे पास एक जर्मन पुस्तक है जो अपने आप में एक बेहतरीन पुस्तक है। उस किताब में रिमोट सेंसिंग पर आधारित यूरोप और अफ्रीका के मानचित्र हैं। लेकिन जब लोगों को ये बताया जाता है कि ये चित्र भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से लिए गए हैं तो मानो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। और विश्वास तब होता है जब उन्हें चित्रों के नीचे छपी लाइन दिखाई जाती है जिसमें इस तथ्य को स्वीकार किया गया है।
गया है। एक और उदाहरण देते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक बार वो कहीं भोज पर गए हुए थे जहां अनेक भारतीय भी थे। इस दौरान बातचीत का रुख रॉकेट विद्या की ओर मुड़ गया और तब ये तथ्य सामने आया कि चीन के लोगों ने 1000 साल पहले बारूद का आविष्कार किया था और 13वीं सदी में बारूद चलित रॉकेट का प्रयोग किया था। इस बहस के दौरान मैंने भी उन्हें बताया कि भारत के टीपू सुल्तान ने वूलविच और राटुंडा नाम के दो रॉकेटों का प्रयोग श्रीरंगपट्टन की दो लड़ाइयों में किया था और ऐसा प्रयोग किसी भी सेना द्वारा दुनिया में पहली बार हुआ था। मैंने वहां ये भी बताया कि अंग्रेजों ने उन रॉकेटों का बारीकी से अध्ययन करके उनमें सुधार कर उनका उपयोग यूरोप में हुई अपनी लड़ाइयों में किया था। मेरी इस बात को सुनकर वहां मौजूद एक वरिष्ठ भारतीय ने फौरन ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जरूर टीपू सुल्तान ने ये टेक्नोलॉजी फ्रांसीसियों से सीखी होगी। मैंने बड़ी ही विनम्रता से उनसे ये कहा कि ये सच नहीं है और मैंने उन्हें प्रख्यात अंग्रेज वैज्ञानिक सर बर्नार्ड लॉवेल की लिखी एक किताब दिखाई जिसमें सब कुछ लिखा था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरे भारतीय मेहमान ने उस किताब को ध्यान से देखा और उन अंशों की ओर भी निगाह डाली जिसकी ओर मैंने इशारा किया था। बाकी पन्नों को उन्होंने हल्के से आगे पीछे किया और दिलचस्प कहते हुए वह किताब मुझे लौटा दी। क्या ये सब कुछ जानने के बाद उन्हें भारत पर गर्व हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम। विलियम कांग्रेन ने टीपू सुल्तान के रॉकेटों में जो भी सुधार किए थे उसका पूरा वर्णन इस किताब में मौजूद था। इसलिए आज हमारे सामने सर्वाधिक निर्णायक कार्य है अपनी पराजयवादी मानसिकता से मुक्ति पाना, क्योंकि वह मानसिकता हमारे बुद्धिजीवियों में बहुत गहरे मन तक बैठ गई है और इसी के कारण वो कभी भी ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि भारत में किसी भी प्रकार का नया सृजन होना संभव है। आगे डॉक्टर कलाम ने ऐसे कई देशों की विकास यात्राओं का वर्णन किया है जिन्होंने निरंतर प्रयास करते हुए विकसित होने का गौरव प्राप्त किया है। अमेरिका और यूरोप की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अमेरिका आज एक महान आर्थिक शक्ति है और उसके शानदार विकास के पीछे है उसके प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, वहाँ के साहसी और कर्मठ लोग और अपने इन्हीं साधनों के बल पर ही वो आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महाशक्ति बनकर उभरा है। विकसित अमेरिका को साकार करने का श्रेय जिन महान वैज्ञानिकों को जाता है उनमें कुछ हैं रिचर्ड ब्रॉन्सन, एंड्रयू कार्नेगी, जॉर्ज ईस्टमैन, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड इत्यादि। संगीत उद्योग में उत्पादों के साम्राज्य निर्माता रिचर्ड ब्रॉन्सन एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जहां हाई स्कूल तक की शिक्षा पूरा करने का सौभाग्य किसी को भी नहीं मिला था। अमेरिकी स्टील उद्योग का पर्याय माने जाने वाले एंड्रयू कार्नेगी एक गरीब कपड़ा बुनकर के बेटे थे और उन्हें औपचारिक शिक्षा पूरी करने का अवसर भी नहीं मिला था। एक मामूली किसान के बेटे हेनरी फोर्ड ने न सिर्फ विशालतम कंपनी की स्थापना की बल्कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति भी ला दी। इन सभी महान उद्यमियों में जो एक समान विशेषता देखने को मिलती है वो है एक परिकल्पना के प्रति एकाग्र निष्ठा और उसे सफल बनाने के लिए जरूरी दृढ़ निश्चय कर्मठता। एक और विशेषता जो अमेरिका को सर्वोच्च राष्ट्र बनाने के पीछे है वो है वहाँ के जोखिम उठाने वाले पूंजीपति और उनकी नए उद्योगों में पूंजी लगाने की हिम्मत। वहाँ ऐसे सैकड़ों शोधकर्ता भी हैं जिनके सीने में साइंस और टेक्नोलॉजी के नए आयामों को छूने की लालसा सदैव बनी रहती है। अमेरिकियों ने अपनी टेक्नोलॉजी को और श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए विशाल धनराशि का निवेश भी किया है और शोध कार्यों में बार बार मिलने वाली असफलता के बाद भी सफल होने की आशा कभी भी नहीं छोड़ी। अमेरिका के विभिन्न राष्ट्रपतियों ने भी बार बार इसी बात पर बल दिया कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलता को और अधिक बढ़ाया जाए ताकि वहाँ रोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध हों और साथ ही ये सफलताएं मानव जीवन की विभिन्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी नए रास्तों को खोले। और अपनी इसी टेक्नोलॉजी के बल पर आज अमेरिका दुनिया के राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रों में हावी होता दिखाई दे रहा है। इसके विपरीत ब्रिटेन ने कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी और उससे जुड़े कार्यों को उजागर नहीं किया, लेकिन उसने भी टेक्नोलॉजी फॉर साइट प्रोग्राम नाम की एक योजना आरंभ की है। जर्मनी ने भी अपनी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के लिए जापान से प्रेरित होकर कार्यक्रम बनाए हैं। फ्रांस में वहाँ की सरकार हमेशा ही अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए अपनी सहायता प्रदान करने में तत्पर रहती है। सिर्फ 5 लाख की आबादी वाला नन्हा सा देश फिनलैंड भी अपनी टेक्नोलॉजी को किसी से कम नहीं आता। यह देश कागज और दूरसंचार के क्षेत्र में अग्रणी नेता माना जाता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि पिछले एक दशक की अवधि में मलेशिया ने भी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट छाप बनाई है। उसके लोग आज पहले से अधिक संपन्न और आर्थिक रूप से कहीं अधिक बेहतर हैं। सिर्फ बाग बागान पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था को आज विश्व की सफलतम अर्थव्यवस्थाओं में एक माना जाता है। मलेशिया का लक्ष्य है 2020 तक एक पूर्ण विकसित देश के रूप में उभरना। सारा मलेशिया राष्ट्र और उसके विकास में रुचि लेने वाले सभी दल काफी उत्साह के साथ मलेशिया को एक विकसित, सुखी व संपन्न राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। इसी क्रम में चीन की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत और चीन का नाम साथ साथ जहन में आता है। दोनों देशों में काफी समानताएं तो हैं, लेकिन साथ ही साथ काफी निर्णायक असमानताएं भी हैं। चीन का सपना
21वीं सदी के मध्य स्तर के विकसित देशों की कतार में जगह पाने का है। चीन का ये मानना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसी दो शक्तियां हैं जिनकी क्रांतिकारी ताकत देश को आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकती है, और चीन विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी असफलताओं से सीखकर उनके बहुमुखी विकास की लगातार कोशिश भी कर रहा है। उसका उद्देश्य अपने परंपरागत हथियारों को और ज्यादा विनाशक और घातक बनाने का और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सैन्य योग्यताओं में वृद्धि करने का है, और ये सब टेक्नोलॉजी को और अधिक प्रभावी बनाकर ही किया जा सकता है। चीन की 2020 की नई परिकल्पना का लक्ष्य साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति और क्षमता बढ़ाने, लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने, बड़े पैमाने पर औद्योगिक और कृषि उत्पादन से उत्पन्न समस्याओं को हल करने। चीन के बाद जापान की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यदि हम जापान पर नजर डालें तो जापान आज जिस भी स्थिति में है उसका ये विकास काफी कम समय में किया गया है, और इसे जापानियों के विकास मॉडल के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके पीछे जो एक महत्वपूर्ण तथ्य छिपा है वो है जापान की काबिलियत को दर्शाती उनकी वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि छठे दशक में जापानी वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी के लीडर नहीं थे, और हकीकत तो ये है कि उस समय जापानी माल को अत्यंत निम्न श्रेणी का माना जाता था। जापान टेक्नोलॉजी को बाहर से आयात करता था, लेकिन तभी जापानी उद्योगों और सरकारी एजेंसियों ने ये निर्णय लिया कि वो जापान में मूल जापानी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए पहले से तय की गई धनराशि को 4 गुना ज्यादा खर्च करेंगे, और इसके बाद अगले 2 दशकों के दौरान जापान विश्व की एक आर्थिक शक्ति बन गया, और इसका पूरा श्रेय उनकी टेक्नोलॉजी के निर्यात से आई हुई विशाल धनराशि को जाता है। और यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि जापान के पास अपने प्राकृतिक साधनों के नाम पर अधिकांश क्षेत्रों में करीब करीब कुछ भी नहीं है। जापान के बारे में बताते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अपनी भावी परिकल्पना के अंतर्गत जापान ने अमेरिका के बराबर आकर बाद में उससे हर प्रकार से आगे निकल जाने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। अपनी इस हैसियत को जापान ने रातों रात हासिल नहीं किया, उन्हें विभिन्न दिशाओं में मेहनत करते 2 दशक लग गए, लेकिन उन्होंने विकसित देश होने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा, और तब तक घोर श्रम करते रहे जब तक उनका ये सपना साकार नहीं हो गया। जापान के इस सपने को असलियत में बदलने के लिए वहाँ के राजनीतिज्ञों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, बैंकरों और आम लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। कोई भी जापानी एजेंसी या उद्योग किसी भी टेक्नोलॉजी का आयात करके आराम से नहीं बैठ जाता था, बल्कि वो उस टेक्नोलॉजी के काम को बारीकी से जानते और उनमें और अधिक सुधार करने में लग जाते थे। इसका कारण ये था कि वो ये जानते थे कि एक विकसित जापान तभी जन्म लेगा जब वे लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सक्षम होकर अपने खुद के डिजाइनों का विकास करने लगेंगे। एक ऐसा देश जिसे युद्ध और 2 परमाणु हमलों ने बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, और जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपमानजनक हालत में जीवन जीने को विवश होना पड़ा था, वही देश आज विश्व के 7 सबसे अधिक शक्तिशाली देशों में से एक है। एक ऐसा देश जिसके पास सीमित प्राकृतिक स्रोत हैं और जिसके सैनिक शक्ति बनने के सभी प्रयास निष्फल कर दिए गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपने समर्पित भाव से और उसके अथक प्रयासों से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो सर्वोच्चता हासिल की उससे हमें बहुत कुछ सीखना होगा। इसी क्रम में जापान के बाद दक्षिण कोरिया की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि करीब 3 दशक पहले दक्षिण कोरिया कोई ध्यान देने योग्य देश नहीं माना जाता था। अनेक देश जिनमें भारत भी शुमार था वो सभी दक्षिण कोरिया को इतना गरीब देश मानते थे जिससे कोई भी आशा करना बेकार था, लेकिन अपने ऊपर आई कई आपदाओं के बावजूद कुछ ही वर्षों में दक्षिण कोरिया ने इतनी अधिक उन्नति कर ली कि आज उसकी गिनती दुनिया के अग्रणी देशों में होती है। दक्षिण कोरिया ने अपने आर्थिक क्षेत्रों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्टील, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में काफी उन्नति की, और दक्षिण कोरिया ने ये साबित कर दिखाया कि वह दृढ़ संकल्पों वाला देश है। आगे बढ़ने के लिए दक्षिण कोरिया ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफी पूंजी लगाई है, और इसी के कारण वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना प्रदर्शन और भी बेहतर कर रहा है। पिछले 2 दशकों में उसके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में आश्चर्यजनक सुधार हुआ है। वहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़कर $10,000 तक पहुँच गई है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 2 से 3 दशक पहले कोरिया के लोगों की खाने की मेज पर बस एक ही विषय पर बहस होती थी कि आज सुबह लंच में क्या खाना खाएं और कल क्या खाने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ खाद्य पदार्थों की काफी कमी थी और ज्यादातर लोग अच्छा और पूरा भोजन मिलने पर ही कुछ काम करने को तैयार होते थे। उन दिनों में दिन में 2 समय के भोजन का बंदोबस्त कर पाना एक उपलब्धि माना जाता था, लेकिन आज कोई कोरियाई भोजन की कभी कोई बात ही नहीं करता। अब वो बात करता है सारी दुनिया की कि कोरियाई लोग दुनिया में कितनी और सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया के बाद एक अन्य देश इसराइल की बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में इसका जन्म 1948 में बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था। रेगिस्तान में पानी और भोजन की अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद उसके सामने अहम सवाल था अपनी सुरक्षा का। इसराइल में रेतीला देश होने के कारण पानी का संकट है और प्राकृतिक साधन गिने चुने
चुने ही हैं। उसके चारों ओर शत्रु देश हैं और उनके बीच रहकर इस छोटे से देश को पानी, भोजन और सुरक्षा की कमी को हल करने के लिए हमेशा ही सतर्क रहना पड़ता है। इन सभी मुश्किलों के बाद भी आज इसराइल एग्री फूड प्रोडक्ट्स के निर्माण के क्षेत्र के नेता है। इतना ही नहीं, खाने पीने की कई वस्तुओं जैसे दूध, फल और अन्य वस्तुओं का प्रोडक्शन करने में टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग किया है और इससे आज इसराइल एग्रीकल्चर और एग्री फूड से संबंधित टेक्नोलॉजी के विकास पर आज सर्वोच्च स्थान पर है। इसराइल खाद्य पदार्थों और कृषि सुरक्षा का इंतजाम करके ही चुप नहीं बैठा, उसे सुरक्षा की भी जरूरत थी। उसने न्यूक्लियर, अंतर्राष्ट्रीय और इलेक्ट्रॉनिक संबंधित समर्थताएं भी हासिल कर ली हैं और अब उनके पास अनेक श्रेष्ठ उत्पाद और टेक्नोलॉजीज हैं। आज की सारी दुनिया इसराइल की सैनिक, आर्थिक और शिल्प विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है और इसकी श्रेष्ठता के पीछे है उनकी ऊंचे किस्म की परिकल्पना और उसे पूरा करने का उनका अथक प्रयास। इन सभी देशों का उदाहरण देने के पीछे डॉक्टर कलाम का उद्देश्य ये है कि 2020 की परिकल्पना करने वाले हम अकेले देश नहीं हैं। अन्य देश भी अपने भविष्य की कल्पना करते रहते हैं और भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सदैव सक्रिय और प्रयत्नशील रहते हैं। चैप्टर 3 2020 के लिए तकनीकी परिकल्पना, भारत की मूल क्षमताएं। इस चैप्टर की शुरुआत डॉक्टर कलाम तेलुगु कवि गुरजांडा की इन पंक्तियों से करते हैं। मेरे भाई, यह देश तुम्हें प्रिय है, तुम इसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बनाकर उसके सुधार में लगे रहोगे। साहसिक कार्यों की जरूरत है आज, कठोर श्रम करो, देर तक करो, खेतों में, कारखानों में दूध मधु बहुल होना चाहिए। तुम्हारा हमारा यह देश, अपने लोगों द्वारा बने सामानों से भरा हो हमारा देश, अपने हस्त कौशल से निर्मित कृतियों को दुनिया भर में फैला दो। तुम देशभक्त हो लेकिन चिल्लाकर उसकी घोषणा मत करो, शेखी बगाड़ने से कोई भी लाभ नहीं होता, इसके स्थान पर चुपचाप कार्य करते रहो। तुम्हारे कार्यों को देखकर लोगों को खुद फैसला लेने दो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आजादी से पहले के भारत में योग्य स्त्री और पुरुषों के रूप में अनेक स्वप्नदृष्टा थे और ये ऐसे लोग थे जो आधुनिक और सशक्त भारत के रूप को सोचते थे। उन्होंने अपने अपने कार्यकलापों से न केवल भारत को समृद्ध किया बल्कि आजाद भारत उनके उत्तराधिकार से और अधिक संपन्न हुआ। इसके अलावा भी भारत इस बारे में भी भाग्यशाली रहा कि उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे। आजादी के बाद भारत ने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों में एक साथ प्रगति की और उन लोगों को इस बात का खासा आश्चर्य भी हुआ जिनको ये यकीन था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में अव्यवस्था का ही राज होगा। लेकिन आजादी के दो दशकों के बाद भी हमारी अनेकानेक उपलब्धियों के बावजूद यह संदेह बना ही रहा कि क्या हम अपनी क्षमता और सामर्थ्य के बल पर अपने सब काम को अपने आप कर पाएंगे या नहीं। आजादी के बाद घोषित नीतियों के अनुसार हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कायम करनी थी, लेकिन इसके बावजूद हमें ऐसे आर्थिक और औद्योगिक फैसले लेने पड़े जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बाहर से आयात की हुई टेक्नोलॉजी से संबंधित थे और इसी काल में ही हमें किसी काम की पहल करने में खुद पर संशय होने लगा था। लेकिन फिर भी कई विलक्षण उदाहरण जैसे प्रक्षेपास्त्रों का प्रक्षेपण, सुपर कंप्यूटर का निर्माण और सी डॉट की स्थापना देखने को मिली। सन 1988 में टाइफेक यानी कि टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल नाम की एक संस्था ने जन्म लिया जो बाहरी निर्भरता तथा चंद देशीय सफलताओं के मिलने से बनी थी। इसका मुख्य कार्य दुनिया भर में विकसित हो रही टेक्नोलॉजीज की पूर्व सूचनाएं प्राप्त करते रहना तथा उन टेक्नोलॉजीज का चुनाव करना था जो भारत के लिए अनुकूल हो। इस संस्था ने अनेकों संस्थानों जैसे सरकार, उद्योगों, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों और प्रयोगकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। अपने कई वर्षों के कार्यकाल में इसने कई ऐसी रिपोर्ट्स तैयार की जो ये सुझाव देती हैं कि भारत को शुगर, स्टील, लेदर, बायोटेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के क्षेत्रों में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि भारत इन क्षेत्रों में शीर्ष पर आ सके। और इसी के परिणाम स्वरूप अनेकों ऐसे टेक्नोलॉजिकल मिशन सक्रिय हुए जिन्हें सरकार का समर्थन और भागीदारी प्राप्त है। ये पहल प्रशंसनीय थी मगर इससे जुड़े कई लोगों ने कहा था कि भारत जैसे विशाल देश को अपनी संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए और आगे जाना चाहिए था। 24 नवंबर 1993 को इस परिषद की बैठक में इसकी नियंत्रक समिति के 40 सदस्य इकट्ठा हुए। बहस के दौरान परिषद के सदस्य ने अध्यक्ष से ये सवाल पूछा कि 1947 के लगभग 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी भारत को विकासशील देश क्यों कहा जाता है, भारत को विकसित देश का दर्जा पाने के लिए और क्या करना होगा। वहाँ मौजूद सभी व्यक्तियों ने ये तुरंत ही महसूस किया कि मूल और निर्णायक मुद्दा यही है और इस सवाल का जवाब ये है कि हमें कम से कम समय में अपनी टेक्नोलॉजीज को सही दिशा में खोलना और फैलाना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दौलत की जनक ऐसी टेक्नोलॉजीज ही हो सकती हैं और टेक्नोलॉजी ही भारत को राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षात्मक रूप से सुदृढ़ कर सकती है। इसके अलावा भारत को अधिक से अधिक निर्यात करना होगा, सुरक्षा के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम भारत की मूल क्षमताओं का मूल्यांकन कर लें। अब सवाल ये उठता है कि किसी देश की मूल क्षमताएं क्या होती हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी देश की मूल
क्षमताएं वो खास क्षेत्र होते हैं जहां हम पहले से ही काफी ताकतवर हैं और थोड़ी कोशिश करने पर और भी अधिक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हम भारतीयों में नई टेक्नोलॉजीज में माहिर होने की काबिलियत है। आजादी के बाद हमारे लोगों ने कृषि के नए तरीकों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर ली थी। उन्होंने कारखानों तथा अनेक सार्वजनिक सेवाओं में काफी जल्दी निपुणता प्राप्त कर ली थी। यहां तक कि महिलाओं में जबरदस्त शिक्षा की कमी के बावजूद उन्होंने नए आर्थिक क्रियाकलापों में बड़ी तेजी से सफलताएं अर्जित कर ली थी। हमारे देश को विकास के करीब ले जाने का जिम्मा उन लोगों का होगा जो देश भर में फैले साधारण स्कूलों और कॉलेजों में पढ़े हैं। भारतीय मूल के जो लाखों लोग विश्व के विभिन्न भागों में नौकरी कर रहे हैं वे सभी IIT जैसी संस्थानों से प्रशिक्षित नहीं हुए हैं। इनमें से अधिकतर लोग भारत की अनाम और मामूली संस्थाओं से आए हैं। हाल में ही भारतीय सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो उन्नति देखने को मिली है उसमें भारी संख्या में ऐसे स्त्री पुरुष जुड़े हैं जो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे लेकिन ये अंग्रेजी में लिखे निर्देशों को आसानी से पढ़ सकते थे और कंप्यूटर को भी सफलता के साथ सही ढंग से चला सकते थे। और अपनी इसी योग्यता के बल पर ये लोग सॉफ्टवेयर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहे कॉम्पिटिशन में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। इन सभी मिसालों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत का मनुष्य बल उसकी एक प्रमुख शक्ति है। अगर हम किसी अकुशल भारतीय को प्रशिक्षित करके कुशल बना सकते हैं और अगर हम किसी कुशल भारतीय की कुशलता में वृद्धि कर सकते हैं और अगर हम किसी पढ़े लिखे भारतीय के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बनाने में मददगार हो सकते हैं तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके जरिए हम अपनी आर्थिक उपलब्धियों की मंजिल तक पहुंच सकेंगे। लेकिन आज इस जोश को उचित मार्ग प्रदान करने वाली पर्याप्त प्रणालियाँ नहीं है जहाँ से उत्पादकता और रचनात्मकता प्रवाहित हो सके, इसलिए इसके लिए हमें जरूरी प्रयास जल्द से जल्द करने होंगे। भारत की एक और मूल शक्ति या सामर्थ्य है उसके प्राकृतिक संसाधन। भारत के पास स्टील और एल्यूमिनियम की अच्छी कच्ची धातुएं पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारे पास चमत्कारी धातु टिटेनियम के अलावा अनेक दुर्लभ भू धातुएं भी हैं। लेकिन ये काफी अफसोस की बात है कि हम उनका प्रभावशाली प्रयोग अभी तक नहीं कर पाए हैं और समुद्र में छिपे साधनों की खोज अभी होना बाकी है। हमारे पास प्रचुर धूप, कृषि योग्य जलवायु या फिर कहे कि एक संपूर्ण विश्व जिसमें ध्रुवीय देश जैसी ठंड, उष्णकटिबंधीय हरियाली, रेगिस्तानी इलाका और काफी वर्षा सभी कुछ है। हालांकि हम इसका पूरा उपयोग नहीं करते। टाइफेक के पैनल ने भारत की मूल क्षमताओं और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए कार्य प्रणालियाँ विकसित की जिसका उद्देश्य था साइंस तथा टेक्नोलॉजी में भारत की पहल को सही दिशा प्रदान करना और भारत की 2020 तक की परिकल्पना को वास्तविक बनाना, क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टेक्नोलॉजिकल पावर की ही कद्र होती है। टाइफेक की इस पहल को हर स्तर पर जबरदस्त समर्थन मिला जिससे यह विश्वास और भी अधिक बढ़ गया कि भारत में इस भावना से भरे लोगों की कोई कमी नहीं है। यह परिकल्पना भविष्य में बहुत से मिशनों की जनक बनेगी और यह सब भारत को एक विकसित देश का दर्जा दिलाने में सशक्त भूमिका निभाएगा और तब हर भारतीय को विश्व स्तर के उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध होंगी। तो ये था डॉक्टर अब्दुल कलाम की फेमस किताब भारत 2020 का पार्ट 1, जिसमें हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक की बात की है और इसके आने वाले चैप्टर्स की समरी हम इसके आगे की वीडियोस में देंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।